गंगा के जल स्तर में 3 सालों के बाद आई कमी के बाद दीदारगंज से दानापुर तक के घाटों पर आयोजित होगा छठ महापर्व और छठ व्रतियों को छठ घाटों तक पहुंचने में किसी कठिनाई का सामना ना करना पड़े इसका जायजा लेने पटना प्रमंडल आयुक्त रवि, आईजी राकेश राठी और पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह दीघा के पालीपुल घाट पहुंचे। दीघा के पालीपुल घाट से लेकर कलेक्ट्रिएट घाट तक के छठ घाट का निरीक्षण मौके पर मौजूद अधिकारियों ने पैदल चलकर ही लिया। इस दौरान मौके पर मौजूद पटना प्रमंडल आयुक्त और जिला अधिकारी ने घाटों पर बेहतर व्यवस्था करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। घाट निरीक्षण के दौरान घाटों की तैयारी मामले की जानकारी देते हुए पटना प्रमंडलीय आयुक्त ने बताया कि अभी तक के निरीक्षण के दौरान 150 घाटों को कुछ चिन्हित किया गया है जहां छठ व्रती अर्घ दे सकते हैं। इसके साथ ही छठ घाटों पर पटाखा फोड़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, तो वहीं छठ के 6 दिन गंगा में होने वाले नाव के परिचालन पर भी रोक लगाई गई है। गौरतलब है कि गंगा के जल स्तर अधिक होने के कारण वर्ष 2021 में 96 तो वर्ष 2022 में 85 घाटों पर छठ महापर्व का आयोजन हो सका था और इस वर्ष गंगा के जल स्तर में आई कमी के बाद अभी तक कुल 105 घाटों को चिन्हित किया गया है। इन घाटों तक छठ व्रती के पहुंचने के लिए अप्रोच रोड बनाने की व्यवस्था भी की जा रही है। घाट निरीक्षण करने पहुंचे पटना प्रमंडलीय आयुक्त ने बताया कि घाटों के आसपास सुरक्षा के दृष्टिकोण से वॉच टावर के निर्माण के साथ साथ गंगा नदी में NDRF और SDRF की टीम के साथ गोताखोरों को तैनात करने के आदेश दिए गए हैं। साथ साथ घाटों पर पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग चेंजिंग रूम और शुद्ध पेयजल के साथ CCTV लगाने के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।